Assalamualaikum and welcome to my channel. Guys, आज के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह की मूविंग एनिमेशन वीडियो बना के YouTube से अर्निंग कर सकते हैं. स्टेप वन, आपने सबसे पहले ChatGPT ओपन कर लेना है और ChatGPT से स्टोरी जनरेट कर लेनी है. जब आप स्टोरी जनरेट कर लें तो स्टेप नंबर टू में हम इस स्टोरी के रिलेटेड इमेजेस जनरेट करेंगे. उसके लिए आपने Leonardo AI से पहले साइन अप क्रिएट कर लेना है. उसके बाद AI इमेज जनरेशन के बटन पे क्लिक कर लें और बैकग्राउंड इमेज जनरेट करने के लिए यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिख लें, या फिर आप इस प्रॉम्प्ट से आइडिया लेके इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग करके भी इमेज जनरेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्लिक करके इस इमेज को सेव कर लें. अब अपनी स्टोरी के कैरेक्टर्स की इमेजेस भी जनरेट कर लें और नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स लाजमी ऐड कर लें, और इसी तरह अपनी स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स की इमेजेस जनरेट कर लें. जब ये कर लें, स्टेप नंबर थ्री में हम इन इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करेंगे. इसके लिए आपने remove.bg वेबसाइट को ओपन कर लेना है, या फिर आपने अपने हिसाब से, अगर आपको इसके अलावा कोई और भी वेबसाइट अच्छी लगती है तो आपने उसको ओपन कर लेना है. और यहाँ पे अपनी स्टोरी के तमाम कैरेक्टर्स की इमेजेस के बैकग्राउंड को 1x1 रिमूव करके अपने पास सेव कर लें. स्टेप नंबर फोर, अब हम अपने इन करेक्टर्स को स्केच मेटा लैब टूल को यूज करके एनिमेट करेंगे. यहाँ पे उन करेक्टर्स को अपलोड कर लें जिनका आपने पिछले स्टेप में बैकग्राउंड रिमूव किया है. अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लें और इस फ्रेम को अपने करेक्टर के हिसाब से कम कर लें. अब इसको जूम कर लें और इरेजर टूल से जो पार्ट्स डिटेक्ट हुए हैं उनको रिमूव कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें. अब इन लाइंस को अपने करेक्टर्स के ज्वाइंट्स के हिसाब से अलाइन कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें. और अब यहाँ से कोई एनिमेशन चूज कर लें और यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लें. नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें. स्टेप नंबर फाइव में आपको स्टोरी के लिए वॉइस ओवर चाहिए होगा. उसके लिए आप अपना वॉइस भी यूज कर सकते हैं या फिर AI टूल से हेल्प ले सकते हैं. मैंने 11lab से वॉइस ओवर जनरेट किया है, मैं उसको यूज करूंगा. अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें हम वीडियो को एडिट करेंगे. उसके लिए आप InShot ऐप का यूज कर सकते हैं या फिर AI टूल से भी हेल्प ले सकते हैं. मैं InShot ऐप को यूज करने लगा हूँ. आपने InShot ऐप ओपन कर लेनी है और स्टोरी का बैकग्राउंड इमेज और दूसरे एनिमेशन क्लिप को इंपोर्ट कर लेना है. बैकग्राउंड इमेज को आपने मेन लेयर में रखना है और एनिमेशन क्लिप्स को आपने PIP के बटन पे क्लिक करके बैकग्राउंड के ऊपर वाली लेयर में रखना है. इसके बाद आपने ये क्रोमा वाले बटन पे क्लिक करके इनके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है और इनको बैकग्राउंड इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है. जब ये कर लें तो आप वीडियो में टेक्स्ट ऐड करने के लिए T वाले बटन पे क्लिक करके टेक्स्ट भी ऐड कर लें. टेक्स्ट ऐड करने के बाद ये म्यूजिक आइकन पे क्लिक कर लें और अपनी मर्जी से इसमें म्यूजिक भी ऐड कर लें. जब ये सारी चीजें कर लें तो इस शेयर वाले बटन पे क्लिक करके वीडियो रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लें और वीडियो फॉर्मेट MP4 सेलेक्ट करके वीडियो सेव कर लें. ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट. A little boy Jake and his sister Emma went to explore the park. They discovered a lost puppy all alone. With empathy in their hearts, they decided to help.